होटल में चेक इन कर लिया हमने और बस साथ ही से पहले कि अंधेरा हो चाय पीने बाहर जा रहे हैं, लाइक बाहर बैठ के चाय पीते हैं, मैं कस पर अंधेरा हो जाने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान, रूम की कीज़ आपके पास है? गए हैं हम एल्पाइन पहले और मेरा दिल भी बहुत था बट वो फुली बुक था। एक दफ़ा कॉल करके भी पता किया बट फिर भी तसल्ली के लिए दोबारा आ गए। उसके आगे ही ये समर रिट्रीट था और व्यूज़ इनके काफ़ी प्यारे, सही वैली व्यूज़ हैं। रूम इज़ लाइक नॉर्मल, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत कोई एक्स्ट्रावेगेंट सा है बट ये है कि साफ़ सुथरा है। एम्बली, अच्छा नीचे आके हमने ज़रा नगेट्स साथ करा लिए थे बेसिकली। नो लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं, इट्स सो कोल्ड। नो, अच्छा रूम थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। इट्स नॉट उस तरीके से मॉडर्न और नॉट वेरी प्रीमियम एज वेल बट ये है कि साफ है और हीटर है, गीज़र है, गर्म पानी है। एल्पाइन का दिल था बट नहीं बुकिंग मिली वहाँ पे। सो हमारा यही है कि अभी हम खाना खाने में भी एल्पाइन चले जाएँ, मे बी जो नथिया गली की माल रोड है उधर चले जाएँ और खाना खा लें। सो काइंड ऑफ वी नीड समथिंग कम्फर्टेबल जस्ट फॉर स्टे, तो उसके लिए सही था। और हमारे पास टाइम भी नहीं था ज़्यादा कि हम और होटल्स को विज़िट करते हैं। और ये था कि यहाँ पे आई रिमेम्बर मैं 2 साल पहले आई थी, ऑलमोस्ट यही टाइम था बल्कि इसे 1 महीना कम, जब उस्मान सऊदीया गए हैं उससे लाइक 10-15 दिन पहले बस आई केम हियर। और ज़ैनब उस टाइम पे बिल्कुल थी आई थिंक 30 डेज़ की और फुल सर्दी लग रही थी और मुझे बड़ा एक डराते थे ना कि शुरू में आप लाइक उस 40 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप चले जाओ तो हड्डियों में ठंड लग जाती है। तो मैं इतनी डरी हुई थी कि वो तो बस हम बस आए हैं, खाना खाया है, रात गुजारी है, बट अब यह है कि अब सुकून है। हाँ, और मैंने स्वेटर शुक्र रखा हुआ था, पहन लिया, ऊपर अपनी जैकेट ले लूँगी। बाहर बड़ा एक सबसे अच्छी चीज़ बाहर की है, सुकून बहुत है। उस्मान की प्रेफरेंस हमेशा होती है सुकून की, शोर ना हो ज़्यादा, सो वो चीज़ है। बाकी ये बर्फ़ पड़ी हुई है, कह रहे हैं लास्ट वीक कह रहे हैं वीक के साथ बारिश हुई थी और थोड़ी सी पर स्नोफॉल हुई थी, तो अभी ये रहती है। ज़ैनों को मैंने जाने नहीं दिया, उसने एक दफ़ा हाथ लगाना था, यहीं पे शुरू हो जाना था इसको खाने। सो अभी जहाँ जाते हैं तो फिर साथ आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो इधर से मैं लेने आई हूँ फ्राइज़। खाना हमने वहाँ पे जो अफाक होटल है, इनकी ये अंदर की सिटिंग भी थी बट बाहर से ही, तो
लगा रहे हैं। ओ फेनो, अच्छा यू वांट टू किस तरह है ये वाली कुर्सियाँ, ये जो है जी, ये किस तरह है? ये वाला है 450। और मजबूत है? हाँ मजबूत है बेटो। अच्छा, और वो जो रोटी वाले छाबे हैं? रोटी वाले छाबे 200 से लेकर 900 तक हैं। अच्छा दिखाओ मुझे कौन सा। ढक्कन वाले है बगैर ढक्कन? ढक्कन वाला, ढक्कन वाला, ढक्कन वाले। ये वाला है 650 का। ओके, ये वाला है 850। नहीं नहीं, छोटे साइज का ही चाहिए मुझे, छोटे साइज के। फिर ये वाला है, ये वाला है 1100 का, ये वाला है 650 का, छोटे साइज। ऐसे नहीं, तो ये ब्रेड के लिए, ब्रेड बास्केट जैसे। ये वाला है 450, ये वाला है 300। अच्छा एक तो ये करो, ठीक है मैं और भी बताती हूँ। ये छाबे किस तरह है? ये वाला ये वाला है 200 का। ओके, ये भी कर दो। ये वाला है 450 का। एक ये कर दो, ठीक है। और बड़ी प्यारी चीज़ें मुझे लग रही थी वैसे ही, तो फिर मैंने ले ली है। और रोटी के छाबा रख दो, दिल तो वैसे मेरा वहाँ पर बड़ा दिल करता है मैं ये मूरे बोलते हैं ये भी ले जाऊँ, बट फिर लेके ज़्यादा वगैरह का होता है, बट आई रियली लाइक दिस। तो मेरी तो ये छोटी चारपाई है इतनी प्यारी लग रही है ना। अच्छा अब हम काफ़ी लाइक नीचे आगे में हैं, और मैं वो ही देख रही थी कि यहाँ पे आके बिल्कुल जो आपके दरख्त हैं वो भी डिफरेंट हो गए। ऊपर सारे आपको वो पाइन ट्रीज मिलते हैं और सर्दियों वाले, और इधर बिल्कुल जैसे जो नीचे वाले इलाकों के जैसे नॉर्मल दरख्त है वो वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आई थिंक ऑटम वाला सीज़न का ही चल रहा है पत्ते हैं। और इधर आके अब गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, मतलब कि ऊपर नथिया गली में तो स्वेटर के बगैर। इधर मैंने जैनो का भी वो स्वेटर बल्कि उतार दिया था, बिकॉज मुझे यही था गर्मी काफ़ी होगी। अपना भी मेरा मोस्ट प्रॉब्ली लंच।